हेलो माय लवलीज, देखिए मुझे रिसीव हो चुका है पार्सल मीशो से और आज मैंने मंगवाया है एक सेट जो कि मैंने बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेट्स पर मैंने ग्रैब किया है, मुझे मिल गया था। बट पैकेजिंग की बात करो ना तो कभी कभी मीशो की पैकेजिंग इतनी ज़्यादा बेकार सी होती है ना कि मतलब देख करके मन ही ख़राब हो जाता है। हाँ ठीक है, सस्ती चीज़ खरीदी थी तो पैकेजिंग भी बिल्कुल वैसी ही सस्ती वाली ही आई है। तो चलिए आपके सामने ही इसको अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या चीज़ मुझे रिसीव हुई है। पिक में आपने देख लिया कि क्या चीज़ मैंने मंगाई थी, अब देखते हैं कि कैसा ये रिसीव हुआ है। तो कुछ इस तरीके से ये आया है, खाली सिंपल सा। ये अलग से खाली एक बबल रैप रख दिया है क्या, देखते हैं क्या है इसके अंदर। नहीं, इसके अंदर भी कुछ है। चलिए देख लेते हैं। ओके फाइन, ये है रिंग। इतनी प्यारी लग रही है ये रिंग, इतनी ज़्यादा ब्लिंगी ब्लिंगी है ना कि कैमरे पे आई नहीं रही है। एंड ये वाला जो सेट है ना, ये हसली सेट, मुझे इतने ज़्यादा अफोर्डेबल रेट पर मिल गया था ना कि मतलब क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही ज़्यादा सस्ता मिल गया था मुझे। कुछ इस तरीके से ये देखिए, एडजस्टेबल रिंग है तो कोई भी इशू नहीं आने वाला है ये इसमें। मैं इसको निकालूँ पहले, तब तो मैं इसे आपको वेयर करके दिखा भी पाऊंगी। अब देखिए यही होता है, ऐसी सड़ी हुई पैकेजिंग दी थी ना इन्होंने कि ये देखिए, ये पीछे से ये पूरा तिरछा हो चुका है। ये आप देख रहे हैं, अभी मैं इसको अगर इसको सीधा करने की कोशिश करूँ ना तो मुझे लग रहा है कहीं से कुछ टूट फूट ना हो जाए। ये बिल्कुल तिरछा हो रखा है, देखिए इस तरीके से। इतनी ब्यूटीफुल रिंग है, इतनी प्यारी सी रिंग है और इसको पहनने के लिए देखिए मुझे सोचना पड़ेगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा पीछे से तिरछा हो रखा है। तो सेलर अगर थोड़ा सा ढंग की पैकेजिंग करके दे देना तो रास्ते में ये जो है डैमेज होते हैं, ये चीज़ें डैमेज नहीं होंगी। अब ये देखिए, इसको सीधा करना बड़ा भारी पड़ जाएगा। एडजस्टेबल रिंग है ये एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। ये देखिए, पहनी हुई भी बहुत ही अच्छी लगने वाली है पर उंगली में जा ही नहीं रही। इसको मुझे सीधा करके ही पहन के दिखाऊंगी मैं, ऐसे कैसे दिखाऊँ आपको, किस में डालूँ, इसमें डाल दूँ। चलिए ऐसे देख लीजिए, ये देखिए पहनी हुई ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगती है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, एडजस्टेबल है। बट क्योंकि ये इसकी जो है पैकेजिंग ऐसी बेकार सी थी ना, इस वजह से ये तिरछा हो गया है। और मैं आपको दैट्स वाई जो है ये छोटे वाले उसमें उंगली में पहन कर दिखा रही हूँ, फिंगर में पहन कर दिखा रही हूँ, वरना ये आप मिडिल फिंगर में या फर्स्ट फिंगर में पहनोगे तो बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूँगी, कुछ इसके अंदर इसको गोल करने की कोशिश करूँगी। बिल्कुल तिरछा हो रखा है, दब रखा है, पिचक रखा है। बट इसकी बात करूँ तो मैं ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिंग है, रिंग मुझे अच्छी लगी। जिस प्राइस पॉइंट पर मैंने ये परचेज करी है सारी चीज़ें, उस प्राइस पॉइंट पर इतनी सारी चीज़ें मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। बस पैकेजिंग थोड़ा सा डिसअपॉइंट करती है मीशो पर कई बार, तो वो थोड़ा सा देखने वाली चीज़ है। अब देखिए, इसको मैं निकाल रही हूँ, ये है हसली एंड इसके साथ में मिल जाते हैं इयररिंग्स भी। दीज आर द इयररिंग्स, देखिए बहुत ही प्यारे से स्टड इयररिंग है एंड इसके साथ में जो है ये अलग से रिसीव हुआ है जो इसका बंद करने वाला होता है ना। देखिए मैं बंद करके दिखा देती हूँ लाइट, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही प्यारे से स्टड हैं, इनको आप किसी भी वेस्टर्न आउटफिट के साथ में पहनेंगे तो बहुत ही अच्छे लगने वाले हैं। एथनिक के साथ में तो जाएंगे ही जाएंगे, कोई इशू नहीं है। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं, छोटे छोटे से स्टड हैं तो डेली वेयर में, ऑफिस में, कॉलेज में डेफिनेटली आप इसे पहन सकती हैं, कोई भी इशू नहीं आने वाला है। अब बात करें अगर इसकी हसली की तो वो कुछ इस तरीके से मिल जाती है। इसके स्टोन्स देख लीजिए, कितने ज़्यादा खूबसूरत स्टोन्स हैं एंड ये कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका इतना इसका चेन मिल जाती है आपको एंड इसका जो हुक है ये अलग से में है। ये देखिए, तो इसका हुक जो है अलग से ही रिसीव होता है शायद, क्योंकि मैंने और बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा है जिन्होंने भी इसे परचेज़ किया है, उनको भी हुक इसी तरीके से अलग से ही रिसीव हुआ है, लगा के नहीं मिला है। तो ये आपको खुद से ही लगाना पड़ेगा इसमें। एंड इसके नग देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। पहले आप लाइट ऑफ करके देख लीजिए, फिर मैं लाइट ऑन करके भी दिखा दूँगी कि कितने ज़्यादा ब्लिंगी ब्लिंगी हैं। ये देखिए, बेहद खूबसूरत लगते हैं। सिल्वर कलर की ये हसली है, बिल्कुल नेक में आपके लग के आने वाली है, चोकर की तरीके से आएगी। साथ में आपको ये मिल जाते हैं इसके स्टड्स, बहुत ही खूबसूरत से स्टड्स मिल जाते हैं आपको जो कि बेहद खूबसूरत लग रहे हैं। और ये मिल जाती है आपको एक रिंग। ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूँ तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है ये, बिल्कुल मस्ट बाय चीज़ है, आप बिल्कुल से इसे चेकआउट कर सकती हैं। सिल्वर कलर में है तो ये आपके वेस्टर्न आउटफिट के साथ में भी जाएगी एंड ये आपके एथनिक आउटफिट के साथ में भी काफ़ी अच्छे से जाने वाली है। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेटेड है, बिल्कुल भी आपको हैवी नहीं लगने वाला है। मुझे तो बेहद पसंद आया।
आया। एंड अगर आपको चाहिए है ना, तो आप इसको जो है हेयर बैंड के तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आ सकता है। आपके स्टाइल करने के ऊपर है, आपकी किस तरीके से आप इसे स्टाइल करना चाह रही हैं। तो मुझे तो ये बेहद पसंद आया। ऑल इन ऑल अगर मैं बोलूँ तो थम्स अप प्रोडक्ट है डेफिनेटली। अगर आपको चेकआउट करना है तो आप इसे चेकआउट ज़रूर करिएगा, अच्छी चीज़ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्राइस पॉइंट पे मिल गई थी। कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। और भी अगर कोई चीज़ आप देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर, रिव्यू चाहते हैं मुझसे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देर है, सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।